भदोही जिले के सभी ब्लॉकों पर सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें कुल 170 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने नव दंपतियों को स्नेह भरा आशीर्वाद दिया। शासन की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल सीएम सामूहिक विवाह में विभागीय स्तर से पूर्व में पंजीयन हो चुका था। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में सभी ब्लॉक परिसर में सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। विकास खंड भदोही में अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 व 16 अनुसूचित समेत कुल 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। सूर्यामा ब्लॉक में अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 व 13 अनुसूचित समेत कुल 16 जोड़ों की शादी हुई। इसी तरह अभोली ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग 8-9 अनुसूचित सहित 17, ज्ञानपुर ब्लॉक परिसर में अन्य पिछड़ा वर्ग 5 और अनुसूचित जाति के 26 व 1 अल्पसंख्यक समेत कुल 32 जोड़े एक दूसरे के हुए। और आई ब्लॉक में अनुसूचित 28, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 समेत कुल 29 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। वहीं नगर पालिका परिषद भदोही में 10, नगर पंचायत सूर्यामा में 3, नगर पंचायत घोसिया में 2 जोड़ों की शादी हुई, जबकि नगर पंचायत ज्ञानपुर और नई बाजार में 1 भी जोड़े की शादी नहीं हुई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि सीएम सामूहिक विवाह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। हर पिता की चिंता होती है कि बेटी की शादी कैसे करें, लेकिन अब सरकार ने हर पिता के कंधे से बेटी की शादी का जिम्मा ले लिया है। हर बेटियों को परिणय सूत्र में बांधने को सीएम सामूहिक विवाह योजना संचालित की गई है। सूर्यामा ब्लॉक में आयोजित सामूहिक विवाह में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने परिणय सूत्र में बंधे वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। भदोही ब्लॉक में विधायक जाहिद बेग ने दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले को आशीर्वाद दिया। समारोह में पहुंचे ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सराहना करते हुए इसे गरीबों के लिए वरदान बताया और कहा कि इस योजना से एक पिता मन मुताबिक बेटी का विवाह कर सकता है। संदीप कुमार पांडे उर्फ दीपू पंडित समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के निमित्त सत्कर्म पूजा पाठ करते कराते रहते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, निरंतर सन 2017 से ही जब से हमारे मुख्यमंत्री जी अपना पदभार ग्रहण किए हैं, तब से उनकी यह इच्छा थी, यह लालसा थी कि हम सभी माता पिता के मन में जो चिंता है उसको दूर किया जाए। इसलिए उनके अंतर्गत, उनकी इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत अभी कई जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है, जिसमें सभी का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वैदिक रीति के अनुसार उनका विवाह संपन्न किया गया। मैं संदीप कुमार पांडे, हमारे सहयोगी आचार्य जी भी उनके कल्याण के निमित्त वैदिक मंत्रों द्वारा उनका विवाह संपन्न किया। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा लालसा थी, सभी के मन में जो चिंता है उसको दूर किया जाए, सभी माता पिता सुखमय जीवन व्यतीत करें और जो बाल विवाह होता था उसको विशेष उस पर जोर देते हुए हमारे योगी इस पर विशेष जोर दिया उन्होंने, ताकि हमारे योगी बाबा जी की लालसा थी, सभी जो गरीब बंधुजन थे, माता पिता थे, उनके मन में जो यह चिंता थी उसको दूर किया जाए कि कन्या उत्पन्न हुई, लोग घर तमाम ऐसे घर हैं जो लोग रोने लगते थे, उनके घर मातम छा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कन्याओं के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हर प्रकार से हमारे योगी मुख्यमंत्री जी उसकी व्यवस्था किए हैं और कर भी रहे हैं। और अंतोपरांत जो सबसे बड़ी समस्या होती है हर माता पिता के लिए कि मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे करूँगा, उनकी विवाह के निमित्त योगी जी हर कन्या को 35,000 डायरेक्ट उसके खाते में और 10,000 की सामग्री उपलब्ध कराते हैं और 6,000 उनकी व्यवस्था में जो भोजन पानी की व्यवस्था होती है उसको करते कराते हैं, ताकि उनका विवाह स्वरूप से। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।